दोस्तों आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि एज्योर्ड कार्ड का रिफ़ंड किस तरीके से होगा, रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, पूरी जानकारी लेके मैं हाज़िर हो गया हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो को लेकर बहुत ही ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा था, कमेंट किया था और डायरेक्टली भी पूछा था कि सर मुझे इसके बारे में, रिफ़ंड पॉलिसी इसके बारे में पूरी बताइए और किस तरीके से हमारा पैसा वापस हो सकता है, एज्योर्ड कार्ड के थ्रू जो परचेज़ किया गया है चीज़ उसके थ्रू कैसे मैं अपने पैसे को वापस ला सकता हूँ। तो दोस्तों ये भारी डिमांड जो थी, जो कि मेरे कमेंट बॉक्स में आई थी, डायरेक्ट भी लोगों ने मुझसे बात की थी, और ये जान के बहुत ही दुख होता है दोस्तों कि आप लोगों का पैसा और कीमती समय दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं जब आप ऐसे वेबसाइट्स पे, ऑनलाइन वेबसाइट पे जो कि फर्जी है और उस पर आप परचेज़ कर लेते हो। तो दोस्तों इस चीज़ों को मैंने देखा, काफ़ी रिसर्च किया और मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने लाया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि मैं पूरी वीडियोज़ में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और बिल्कुल लाइव टू लाइव, वन टू वन करके आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये इसमें मेरे दोस्तों ने इस तरीके से बताया था कमेंट्स में कि उनको इस तरीके से दिक्कत हो रही थी कि वो जैसे ही पेमेंट कर रहे थे ऑनलाइन पेमेंट, वो ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद इनको या तो कोई मेल नहीं आ रही थी या फिर ये जब कॉन्टैक्ट कर रहे थे तो कोई कॉन्टैक्ट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और दूसरी चीज़, एक तो ऑनलाइन हो गई ऑनलाइन पेमेंट और दूसरा चीज़ इसमें कैश ऑन डिलीवरी की भी होती है। तो दोस्तों कुछ लोग इस पर कैश ऑन डिलीवरी भी कर रहे थे, तो कैश ऑन डिलीवरी में क्या चीज़ें हो सकती हैं, कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं, लौटा सकते हैं या फिर रिटर्न कैसे कर सकते हैं, वो पूरी चीज़ अब मैं आपको उसमें इस वीडियो में पूरी बताऊंगा। तो दोस्तों पूरी वीडियो में बने रहिएगा और शुरू से आखिर तक ही पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच में जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो बिल्कुल मिस मत करिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये एक वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ है जिसका नाम है एज्योर्ड कार्ड, और यहाँ पे आप पहले भी देख चुके हुए हैं और इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी, ये वीडियो बनाया रखा हुआ है, वो आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आई कार्ड जो ऊपर आ रहा है। और इस साइट को मैं अगर नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और ये तमाम तरह की टर्म्स कंडीशन और पॉलिसी दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर रिफ़ंड पॉलिसी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं कि इनकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या कहती है। तो रिफ़ंड पॉलिसी पे दोस्तों हम आ गए हैं और यहाँ पे आप देखिए काफ़ी सारा इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है और बहुत से पैराग्राफ और इंग्लिश आंसर मिल गए। मैं आपको बहुत ही छोटे से सारांश रूप में आपको इसका कंक्लूजन निकाल के दे देता हूँ कि ये दोस्तों ये बता रहे हैं कि ये कहते हैं कि आपको रिटर्न हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, अगर आप 72 घंटे के अंदर, अगर आप परचेज़ करने के 72 घंटे के अंदर आप ऐसा करते हैं कि आपको एक्सचेंज चाहिए, फिर रिटर्न करना चाहते हैं, तो आपसे रिटर्न या एक्सचेंज हो सकता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये बोले हैं कि अगर आपको रिटर्न करना है तो पहले आपको इनके जो कंज्यूमर, जो कस्टमर केयर है उन पे, उस पर ऑर्डर करके, कॉल करके आपको रिटर्न का जो है टिकट रेज कराना पड़ेगा, और या तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमने यहाँ पे ट्राई किया था इनको कॉल करने का, पर कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे सही से आया नहीं। और दूसरी चीज़ कि दोस्तों इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इनको मेल कर सकते हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो पहली चीज़ है कि हेल्प सेंटर वगैरह जो इन्होंने दिया हुआ है इस पर, तो एक क्लिक नहीं होता है। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ पर ये क्लिक नहीं होता है, ठीक है, ये काफ़ी सिंपल सा प्लेन टेक्स्ट है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस में सिंपली इन्होंने ये बोला हुआ है कि यहाँ पे राइट टू अस, हमें बस यहाँ पे लिख दीजिए अपनी, आपकी क्या दुविधा है और हम आपको उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और दूसरी चीज़, ये जो नंबर दिया हुआ है दोस्तों, ये नंबर कभी लगता नहीं है, ना तो यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें मुझे सेटिस्फाई नहीं हुई और दोनों तरीके से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। और दोस्तों बाकी चीज़ें इसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से आप पेमेंट कर, रिटर्न आपका होगा, किस तरीके से आप रिटर्न कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये है कि जो रिटर्न, जो जैसा ही आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, तो दोस्तों रिटर्न होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पहली चीज़ आपको या तो कॉल लगेगी नहीं, कॉल लगेगी भी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप इनके वेबसाइट या फिर इनके ईमेल आईडी पे जो है मेल लिखते हैं, अपनी दुविधा लिखते हैं, तो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, उसका कोई भी समाधान नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, मैं तीन चीज़ें बहुत ही क्लियर बताऊँगा दोस्तों, उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तीन चीज़, जो पहला पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है,
पहली चीज़ ये है कि अगर आपने आपने कैश ऑन डिलीवरी, पहले हम कैश ऑन डिलीवरी की बात कर लेते हैं, बाद में हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करेंगे। तो जो हमारे दोस्त कैश ऑन डिलीवरी किए हैं, तो दोस्तों अगर आपके पास जो पैकेज आता है कैश ऑन डिलीवरी से, वो आप बिल्कुल वापस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जैसे ही आपके पास आता है प्रोडक्ट, आप उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए किस तरीके से। अगर आपको ज़रा सा भी शंका होती है, सुबह होती है कि आप वो सही प्रोडक्ट नहीं है, आप उस डिलीवरी बॉय को दे दीजिए और कह दीजिए कि ये हमारे ये नहीं है प्रोडक्ट, हमारे लिए सही नहीं है, और ये वापस ले जा के चला जाएगा। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा उसमें कुछ खर्च हुआ नहीं। तो कैश ऑन डिलीवरी आपने किया है तो आप सेफर साइड हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट की। अगर आपने एजोर कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, किसी प्रोडक्ट को परचेस कर लिया है, तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। आप ये जो तीन पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए। सबसे पहली पॉइंट ये है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि पहला चीज़ ये है कि आपको साइबर क्राइम गवर्नमेंट की जो साइट है, जो कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ऑनलाइन यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, और ये दोस्तों ये पोर्टल है इसलिए कि आपको ऑनलाइन फ्रॉड या कोई भी चीज़ है उससे तमाम और भी जो भी फ्रॉड होते हैं वो इसमें रजिस्टर की जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जाके लर्न कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, फाइल में कंप्लेंट भी कर सकते हैं, जो ये रेड बटन लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ ये है, या तो आप यहाँ पे जो लाल वाला बटन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, फाइल या कंप्लेंट, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर जो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो छोटा सा रोबोट बना हुआ है, ये हाई जो कर रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे, और ये हमारा एक चैट बोट है, ठीक है, ये चैट कर सकते हैं आप इससे डायरेक्टली। और यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं, नमस्ते, आई एम साइबर दोस्त और मैं आपको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे हूँ। तो और आप यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आप डेंजर में तो 112 पे कॉल करिए, और ये सब चीज़ें लिखी हैं। तो आपको यहाँ पे करना है रिपोर्ट अ क्लेम, रिपोर्ट अ क्लेम पे मैंने क्लिक किया, और ये देखिए वापस इन्होंने पूछा है कि क्या इन तीनों में से आपका कौन सा ऑप्शन है। तो मेरा है अदर साइबर क्राइम, ठीक है, तो मैंने अदर साइबर क्राइम पे क्लिक कर दिया। अब ये फिर पूछते हैं कि क्या आपको लॉस ऑफ मनी हुआ है, ऑनलाइन हेरेसमेंट हो रही है, क्या हो रहा है। तो मेरा लॉस ऑफ मनी हुआ है, मेरा पैसा जो है लॉस हो गया है। तो फिर ये पूछते हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा है, बैंकिंग है, बैंकिंग या ई वैलेट, या किस तरीके से आपका लॉस हुआ है, जॉब, मैट्रिमनी, ई कॉमर्स, या किसमें हुआ है। तो दोस्तों हम ई कॉमर्स में जाएंगे, और ई कॉमर्स में जाते ही ये हमें एक सॉल्यूशन देंगे, और वो ये बता रहे हैं कि आप साइबर क्राइम गवर्नमेंट में जाइए, रिपोर्ट करिए, रिपोर्ट करने के बाद आप एक्सेप्ट करिए, और उसके बाद आप यहाँ से आप अपने रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद अलावा दोस्तों कंप्लेंट कर सकते हैं इस डायरेक्ट नंबर पे 9 से 6 PM के बीच में। तो दोस्तों एक नंबर डायरेक्ट भी दिया हुआ है, ये नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, इसमें कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जैसे ही आप इस पर कंप्लेंट करेंगे, आपको ये PDF मिल जाएगी, जिसमें ये गवर्नमेंट की तरफ से है, और ये गवर्नमेंट आपको ये सिक्योर ऑनलाइन किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, पूरी अच्छी तरीके से पूरा डिटेल देखिए, बहुत ही ग्राफिकल और कार्टूनिस्ट वे में दिया हुआ है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हैं, और इसमें पूरी तरीके से इसमें सावधानियाँ बरत सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। तो दोस्तों ये तो था हमारा पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आप अपने कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो आपको जाना है और सबमिट अ कंप्लेंट करना है अपने बैंक से। सपोज आपने ICICI बैंक से किया, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अगर आपने बैंक के थ्रू आपने किया हुआ है, ठीक है, आप पेमेंट किया हुआ, तो अगर ICICI बैंक किया हुआ है, तो ICICI बैंक पे आप जाइए, यहाँ पे कंप्लेंट का आपको एक आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, ठीक है। आप ICICI बैंक में गूगल में सर्च कर सकते हैं ICICI बैंक कंप्लेंट, आपको ये लिंक ओपन हो जाएगी। और लिंक में आप जा सके देख सकते हैं, उसमें यहाँ पे पहला लेवल है आपको कंप्लेंट करना है, ईमेल लिखेंगे आप, ईमेल लिख के आप ICICI बैंक को पूरी चीज़ें बताइए कि कैसे क्या हुआ, क्या चीज़ नहीं है, अपनी सारी चीज़ें जो भी रसीद वगैरह है आपने स्टोर करती हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो है पेमेंट के, आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए ट्रांजेक्शन का, उसको स्क्रीन शॉट लेके इसमें अटैच कर दीजिए मेल में। आपको ICICI बैंक या कोई भी बैंक होगा वो आपको मेल का रिस्पांस देगा, और आप उसके तरफ फॉलोअप करते जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये थी हमारी जो दूसरा ऑप्शन है कि किस तरीके से हम इसको बच सकते हैं, और ये चीज़ हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो बैंक के थ्रू इन्होंने अपने पैसे को रिफंड किया हुआ है। दोस्तों मैं पूरा रिकमेंड करूँगा कि आप ये दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और तीसरी सबसे बड़ा पॉइंट ये है दोस्तों कि कोई भी ऐसी फर्जी साइट जो कि इस तरीके की होती है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, वो आप वहाँ पे जाके देखिए, उन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, उस चीज़ों पे आप ध्यान देके इन सब सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो
को अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो, बहुत आपसे पसंद आई है और आपको इससे हेल्प मिली है तो उसको प्लीज़ तुरंत लाइक मार दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए व्हाट्सएप के थ्रू या फिर फेसबुक, इसमें नीचे बटन है शेयर का, उस पर क्लिक कर दीजिए, शेयर हो जाएगा, तो शेयर करिए। और अगर दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली वीडियोज़ में आपको इसी तरीके के लाऊंगा जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, लाभदायक होगा आपके लिए और मैं आपको आने वाली दुविधाओं से जो है बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।